आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम कह रहे हैं अपने तीनों भाइयों से और हनुमान जी से कि जो परम सयाने लोग होते हैं ना, वे इस संसार को दुख रूप जानकर इसकी ओर ध्यान नहीं देते और केवल मुझे भजते हैं, मेरा ही सिमरन करते हैं। राम स्पष्ट रूप से यहाँ घोषणा कर रहे हैं अपने परब्रह्म होने की, किंतु किनके मध्य? अपने अंतरंग भाइयों के साथ, अंतरंग मित्र के साथ, अंतरंग सेवक के साथ वहाँ ये घोषणा कर रहे हैं। सबके सामने कभी नहीं कहा राम ने, उन्हें बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। अभी कौन से नायक? मुनि श्रेष्ठ, मनुष्यों के, देवताओं के और ऋषि मुनियों के, इन सब के जो नायक हैं कौन हैं? मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कौन है मुनियों में श्रेष्ठ? जैसे नारद मुनि, सनकादि, ये इस प्रकार के जो मुनि श्रेष्ठ हैं, वे क्या करते हैं? त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, ये जो कर्म हैं शुभ और अशुभ का फल देने वाले, इन कर्मों का ही त्याग कर देते हैं। अब इसे समझिए, कर्मों का त्याग करना क्या होता है। कोई यह न समझे कि भगवान राम ने यहाँ कहा कि जो कर्मों का त्याग करके मुझे भजते हैं वे मुनि श्रेष्ठ हैं, वे जो देवताओं, मनुष्यों और ऋषि मुनियों के भी नायक हैं, वे कर्मों का त्याग करके मुझे भजते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात कही है कि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का त्याग करके। अभी कर्म का त्याग समझ लीजिए। कर्म का त्याग का अर्थ होता है कि आपने कोई भी काम किया और उस काम से जुड़ी हुई प्रशंसा या निंदा, यदि उसको आपने स्वीकार कर लिया तो वो कर्म फल आपके साथ लग गया। कर्म का त्याग करने का यह अर्थ नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, ये समझ लीजिए। बड़ी भ्रामक धारणाएं लोगों ने बिठा ली इन वक्तव्यों को पढ़कर, क्योंकि समझा तो नहीं, बाहर बाहर की चीज़ समझ ली, बाहर बाहर की पकड़ ली कि प्रभु कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग करके। अरे कैसे कर्मों का? शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का त्याग। अब कर्म का तो त्याग हो ही नहीं सकता, जब तक मनुष्य है, देह में है, तब तक तो कर्म करेगा ही करेगा। अकर्म की स्थिति में वह आ ही नहीं सकता। तो कर्म त्याग का अभिप्राय क्या हुआ? कि उस कर्म बंधन से प्राप्त होने वाले फल से आप अछूते रह जाएं, अर्थात कर्ता का भाव ना रखें। यदि आपने कर्ता का भाव न रख कर कर्म किया तो फिर आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे और फिर वो जो आपका कर्म वो हुआ ना हुआ बराबर हो जाएगा, कहीं वो होगा ही नहीं, कहीं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, वो तो बस जैसे एक हवा होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन कब? जब उस कर्म के साथ हम अपना कर्ता का भाव नहीं रखेंगे तब। संत असंतन के गुण भासे, तेनर पर ही भव जिन लख राखे। प्रभु कह रहे हैं कि देखो, मैंने संतों के और दुष्टों के दोनों के सारे लक्षण यहाँ बता दिए, तो समझने में किसी को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। पाप और पुण्य क्या है वह भी सब कुछ बता दिया, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी। तेन पर ही भव जिन लखी राखे, और जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने, जिन साधकों ने मेरी इन बातों को संभाल कर रख लिया, वे फिर भवबंधन में पड़ने वाले नहीं हैं। कौन पढ़ेंगे? जिन्होंने मेरी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, बातों को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जिन्होंने इनको देखा, इन सत्यों को समझा और जीवन में उतार लिया, तो वे फिर भवबंधन से पार। सुनो हुतात, कहते हैं सुनो
मेरे भाइयों। तात पुत्र को कहते, उनको बच्चे भी कहते थे कि सुन बेटा, अपने तीनों भाइयों को कह रहे हैं कि सुनो पुत्रों, सुनो तात। अब जब राम कह रहे हैं कि सुन हो, तो इसका मतलब है कि और गहरी बात कहने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुननी होगी। हम सब तो राम जी के बच्चे ही हैं ना, तो हमें कह रहे हैं वे। बहाना तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी का है, सामने वे बैठे हैं, लेकिन वास्तव में वे सुना तो हमें रहे हैं। कह रहे हैं सुनहु तात, मायाकृत गुण और दोष अनेका। माया के द्वारा सृजित किए हुए न जाने कितने प्रकार के दोष, गुण और अवगुण हैं, न जाने कितने प्रकार के, किंतु ये माया के द्वारा सृजित हैं। राम जी कह रहे हैं ये है नहीं, यह एक माया है और माया के द्वारा सृजित किए हुए हैं। अब इसी माया के द्वारा सृजित इन गुण दोषों के अंदर हम वशीभूत हो जाते हैं, इसे कहते हैं मायावी प्रभाव। गुण यह उभय न देख अही, देख ही सो अविवेक। कहते हैं अब क्या करना है तुम लोगों को, ये समझ लो गुण कि गुण तो इसी में है तुम लोगों का। कैसा गुण? यानी विवेक। चारों तरफ माया ने फैला रखा है अपना पसारा, त्रिगुणात्मक सृष्टि है और माया भी है, ये है नहीं लेकिन दिखती है। जैसे आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि एक ही व्यक्ति अनेक अनेक रूप धारण करके सामने आ गया, मायावी राक्षस, वह होता नहीं था, बाकी सब प्रतिबिंब होते थे। तो कह रहे हैं गुण दोष ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब एक प्रतिबिंब हैं, एक छायाएं हैं। माया ने इन छायाओं का सृजन किया है, और मनुष्य की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका एक गुण क्या होना चाहिए, खासियत, अर्थात उसका गुण माने विवेक। उसका विवेक क्या है कि इसमें से वह दोनों में से किसी को भी ना देखे, ना गुण पर जाए ना अवगुण पर जाए, दोनों से पार चला जाए, दोनों को ही ना देखे। यही विशेषता है। माया तो दोनों चीज़ दिखा रही है, माया भाई भी दिखा रही है, माया लोभ भी दिखा रही है। तो विवेकशील कौन है? मनुष्य का तो गुण इसी में है ना कि माया लोभ दिखाए तब भी वह वशीभूत ना हो, माया भय दिखाए तब भी वह वशीभूत ना हो। तो माया के वशीकरण से कौन बच सकता है जो इन दोनों से स्वयं को अप्रभावित रख सके, अपनी प्रतिभा से, अपने गुण से, अपने विवेक से, और इन सारे गुण दोषों को इसी रूप में देखना, इसका नाम अविवेक है। यानी माया की त्रिगुणात्मक सृष्टि से प्रभावित होना अविवेक है, और इसकी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से संयुक्त ना होना ही विवेक है। ये विवेक और अविवेक का अंतर राम जी ने यहाँ पर सुस्पष्ट कर दिया है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई। सारे भाइयों ने राम जी के श्री मुख से ये वचन सुने। पीछे आप सब भक्त सुनते आ रहे हैं अभी कि राम जी कितनी गूढ़ बातें बताते जा रहे हैं, एक की बातें, और ऐसी गूढ़ बातें कि जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं ये मायावी शत्रु, ये अहंकार की सेना, उन सब की खबर राम जी ने दे दी कि कौन कहाँ कहाँ बैठा है, किस किस रूप में है, और वह तुमसे क्या क्या करवा रहा है, सब चीज़ बता दी राम जी ने। और उनके श्रीमुख से सभी भाइयों ने ये सुना। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम ना हृदय समाए। और उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया है, इतना अधिक प्रेम उमड़ आया है कि वो उनमें समा ही नहीं रहा, उनके हृदय में नहीं समा रहा। इतना प्रेम कैसे समाए? राम जी ने कृपा करके उन्हें ऐसा अनमोल ज्ञान दिया। राम ही तो इनके गुरु हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये राम को अपने बड़े भाई के रूप में नहीं देखते थे, अपने पिता अथवा अपने गुरु के रूप में देखते थे। राम का वचन तीनों भाइयों के लिए ब्रह्म वाक्य था। जो भाई ने कह दिया ब्रह्म वाक्य,
तो ये परम हर्षित हैं कि राम जी ने उन पर अयाचित कृपा की और उन पर इतने ज्ञान की वर्षा की। कर ही विनय अति बार ही बारा, बारंबार वे राम जी से विनय कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान ही हर्ष अपारा, और हनुमान जी के हृदय में तो इतना अपार हर्ष है, अपार हर्ष की झूम रहे हैं, झूमते ही जा रहे हैं। कोई उनके हर्ष का कोई और छोर नहीं, कोई पारावार नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हनुमान जी के भीतर जो हर्ष के मेघ उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, और ये मेघ साधारण नहीं है, जल से भरे हुए हैं, बरस रहे हैं हनुमान जी के भीतर। पुनः रघुपति निज मंदिर गए। ये सब बातें कहने समझाने के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर अर्थात अपने भवन अपने महल को चले गए। यही विधि चरित करत नित नए। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा के रूप में बैठे हुए नित नई नई प्रकार की लीलाएं करते थे। अपने भाइयों को तो समझाते ही रहते थे निरंतर, किंतु प्रजा के मध्य में भी जाकर अनेक प्रकार की वे लीलाएं करते थे, जिससे प्रजावासियों को कुछ संदेश प्राप्त हो। प्रभु की लीला तो वे ही जाने, कौन सी लीला करेंगे ये तो किसी को समझ में नहीं आते थे। नए चरित नित यही विधि चरित करत नित नए। ये जो शब्द है यहाँ पर नित नए, ऐसे लीलाएं करते थे जो नित नई हों। अब आप देख लीजिए कि अपने चारों तरफ कोई भी राजा अगर कोई लीला करेगा तो क्या करेगा, सब उसका रिपीटिशन होगा, सब रिपीटिशन, सबको पता होगा ये क्या करने वाला है, कल पहले से पता होता है, राजा की एक नियमित दिनचर्या होती है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु राम का जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, वे तो नित नई करते हैं, किसी को पता ही नहीं होती कि कल कौन सी लीला होगी। बार बार नारद मुनि आवे, बार बार नारद मुनि अयोध्या आते हैं। चरित पुनीत राम के गावे, और राम जी के उन पुनीत चरित्रों को गाते हैं, लीला देखते हैं राम जी की, नित नई लीला कर रहे हैं। और नारद जी उन लीलाओं का गायन करते हैं, राम जी की लीलाओं का, सर्वत्र जा जाकर। नित नव चरित देख मुनि जाहीं, और न जाने कितने मुनि हैं जो नित यहाँ पर आते हैं राम जी के इन नए चरित्रों को देखने, नई लीलाओं को देखने। सोचिए राम की लीला कैसी अपार होगी कि जो नित नई आ रही है, नित नई। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण, कि करोड़ों अरबों खरबों लोग इस धरती पर हैं, थे, दोनों चीजें, जो थे उनके अंगूठे के निशान, उंगलियों के निशान, और जो हैं उनकी उंगलियों के निशान ले लीजिए आप। मतलब राम जी ने, इनकी लीला देखिए राम जी की, नित नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जो भी बच्चा नया पैदा हो रहा है उसकी उंगलियों के निशान किसी दूसरे की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते। है कितनी उंगलियां और उनका स्थान कितना है, एक उंगली का कितना स्पेस होता है, कितना स्थान है, जरा इतना सा तो स्थान है ना। और इतने से स्थान के अंदर सोचिए कोई कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है, एक सीमा ही होगी ना अगर मनुष्य बनाएगा तो। लेकिन राम जी बना रहे हैं। वे भक्त जो इस समय सोच रहे होंगे कि राम जी ऐसी क्या नित नई लीलाएं करते होंगे, ऐसा क्या नया करते होंगे, तो पहला नया तो यही देख लीजिए कि किसी का भी थम इम्प्रेशन यानी किसी के भी उंगली या अंगूठे का निशान एक दूसरे से नहीं मिलता। अरबों लोग हुए हैं, खरबों लोग हुए हैं, चाहे पिछले सारे रिकॉर्ड उठा लीजिए, राम जी ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई जो लोग बहुत पहले जा चुके इस धरती से, तो चलो उनके थम इम्प्रेशन को मैं रीयूज़ करता हूँ,
जो नए आने वाले बच्चे हैं उन पे वो थंब इम्प्रेशन में लगा देता हूँ। मोबाइल में तो ऐसा होता है ना कि आपके मोबाइल का सिम कार्ड है, आपका वो नंबर बंद हो गया, 2 साल बंद रहा, कंपनी वो नंबर दोबारा किसी और को दे देती है। लेकिन राम जी की यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना कि आपके जो निशान थे उंगलियों के, एक बार जो हो गए वो फिर आप ही के रहे सदा। इसीलिए कहते हैं कि राम जी हर एक को अद्भुत बनाकर भेजते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अद्भुत है, प्रत्येक व्यक्ति नया है, कोई भी यहाँ किसी की कॉपी नहीं है, क्योंकि राम जी के यहाँ जो भी कुछ है सब ओरिजिनल है, कॉपी वर्क कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि तुलसीदास जी नित्य नए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नित्य नए को मैंने आपको इन उंगलियों के निशान के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है कि किस तरह से राम हर आने वाले जीव को नए उंगलियों के निशान देकर भेजते हैं। तो सोचिए वो जो राम जी का कंप्यूटर होगा वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाता होगा। और ये तो हम अपने मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों से हटकर न जाने कितनी अनंत योनियां हैं जिनका हमें पता ही नहीं, और सभी को राम जी एकदम सबसे अलग बना रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर वन पीस है, एक अकेला अपने आप में स्वतंत्र इकाई, ना उसका कोई मेल पहले था ना उसका मेल कोई आगे होगा, कोई किसी का कॉपी वर्क नहीं है। तो एक नित्य लीला तो यही देख लीजिए जो आज भी दिखा रहे हैं राम जी। नित नवचरित देख मुन जाही ब्रह्म लोक सब कथा कहावी। अब नारद जी तो रोज आ रहे हैं, देख रहे हैं, गाते हैं उनकी राम जी की कथाएं, और फिर क्या करते हैं ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। पहले तो सबको सुना दी गा गा कर, फिर पहुंच गए ब्रह्म लोक, ब्रह्मा जी से कहा कि आज राम जी ने यह लीला की। ब्रह्मा जी सुनते हैं, सुन ब्रंज अतिशय सुख माने। और ब्रह्मा जी राम जी की कथा को सुनकर अतिशय सुख प्राप्त करते हैं, अतिशय सुख। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मा जी इन सब चीज़ों से पार हैं, सुख दुख पाप पुण्य इन सब से पार हैं, लेकिन जो इन सब से पार है वह भी राम जी की कथा को सुनकर, उनके नित्य चरित्रों को सुनकर अतिशय सुख से भर गया है, अतिशय सुख से। अर्थात अतिशय माने बहुत अधिक, इतना अधिक कि जिसको बताया ना जा सके, उतने सुख से ब्रह्मा जी भर जाते हैं। पुनि पुनि तात कर हूँ गुणगाही। और क्या कहते हैं नारद जी से कि सुनो पुत्र, सुनो तुम प्रतिदिन राम जी का ये गुणगान किया करो। नारद जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि प्रतिदिन राम जी की इन लीलाओं का, इन गुणों का गुणगान किया करो। अब इसमें जितनी गहराई है उसको खोजने निकल जाइए आप। ब्रह्मा जी ने कभी किसी के लिए नहीं कहा नारद जी से कि इनके गुणों का गुणगान करो, कभी नहीं कहा। और ना ही कभी किसी के गुण सुनकर, किसी का चरित्र सुनकर ब्रह्मा जी इतने परमानंद में लीन हो गए हैं, लेकिन केवल राम जी की जो लीलाएं हैं उनको गाने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि नारद जी को प्रेरित कर रहे हैं। इसकी क्या गहराई है, इसमें हमें गोता लगाना है, लेकिन आज नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज तो रसपान करेंगे सिर्फ इस बात का कि राम जी जो नित्य लीलाएं करते हैं उसका, उस उदाहरण का जो हमने अभी आपको बताया उनकी नित्य लीलाओं का, कि किस तरह से वह प्रत्येक रचना नई और कोरी बना रहे हैं। तो आज राम जी के इस रहस्य का ही आनंद लीजिए, उसका ही सुख उठाइए। और क्यों ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं इसके बारे में कल चर्चा करें। आज तो बस राम जी की इन रहस्यमयी लीलाओं में खोने का
लीन होने का, आनंदित होने का, रसलीन होने का विनम्र प्रयास करेंगे। राम।